जब गाढ़ा मैकलाली डबलिन एयरपोर्ट पर पासपोर्ट्स जांचने की ड्यूटी करते हुए आयरलैंड के बॉर्डर्स की हिफाजत में मदद कर रहे हैं। लाइन में अगली यात्री एक अमेरिकन महिला है जो बुजुर्गों की देखभाल करने वाली चैरिटी के लिए काम करने आई है। आप यहाँ किसके लिए काम करने वाली हैं? फ्रेंड्स ऑफ द एल्डरली, ये डबलिन में एक नॉन प्रॉफिट चैरिटी है। कहाँ पर? 25 बर्टन स्ट्रीट। और आपकी वापसी की तारीख क्या है? हाँ, अगस्त 20। आप पक्का वापस जाएंगी? हाँ। ऑफिसर लाली को पक्का करना होगा कि उसकी दी गई जानकारी सही है। अगर ये सही न निकले तो वो उसे वापस अमेरिका जाने वाले प्लेन में चढ़ा सकते हैं। इस बीच डिटेक्टिव गार्डर रे फ्लैनरी के बूथ पर ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की ने अपना पासपोर्ट थमाया है, लेकिन ऑफिसर फ्लैनरी को तसल्ली नहीं है। दिक्कत यह है कि आपको यूके में इनकार किया गया था। हाँ। इससे अक्सर यहाँ दिक्कत होती है। अगर आपको वहाँ इनकार किया जा चुका है तो आमतौर पर आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं मिलती। और आपको वहाँ से इसलिए इनकार किया गया था क्योंकि आपके पास वर्क परमिट नहीं था। हाँ। वर्किंग वीजा जी। और आपने इसे पहले लेने के बारे में नहीं सोचा? सोचा था कि अगर मैं यहाँ ट्रेनिंग शुरू करती या काम करती तब इसके लिए अप्लाई करती। नहीं, पर ऐसा नहीं था। नहीं, ये सब आपको पहले लेना था। हाँ, हाँ जी। तो उन्होंने आपको मना कर दिया और फिर आने दिया यूके में 3 दिन के लिए। हाँ, 3 दिन के लिए। उसके रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज रिफ्यूजल की वजह से लगता है ये लड़की उन 4,000 लोगों में से एक होने वाली है जिन्हें हर साल आयरलैंड के बॉर्डर से वापस लौटा दिया जाता है। इस बीच ऑफिसर लाली जांच करते हैं कि चैरिटी वर्कर की सारी जानकारी सही है और उसके यहाँ ठहरने के कागजात जायज हैं। आप जरा जगह का नाम दोबारा बताएंगी? फ्रेंड्स ऑफ द एल्डरली। हर चीज कायदे की पाने के बाद वो इमिग्रेशन डेटाबेस के लिए उसकी फोटो लेते हैं। आप जरा वहाँ जाकर खड़ी हो जाए, आपका फोटो लेना है। वो बताते हैं कि उसे ठहरने के लिए जितना वक्त दिया जा सकता था दिया गया है। अगर उसे और ज्यादा रुकना है तो उसे डबलिन में इमिग्रेशन ऑफिस में इसे बढ़ाने की अर्जी देनी होगी। मैंने आपको 30 अगस्त तक का वक्त दे दिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। अगर आपको कुछ और दिन रुकना है तो आपको इमिग्रेशन में जाकर बताना होगा। ऑफिसर लाली उसके कागजात लौटा कर उसे आगे जाने की इजाजत देते हैं। ये लीजिए। ठीक है। लेकिन वहाँ ऑफिसर प्लानरी के बूथ पर ऑस्ट्रेलियन लड़की अब भी पूछताछ में उलझी है। तो कुल मिलाकर कितने दिन रहने का इरादा? 2 हफ्ते। दो? हाँ, 2 हफ्ते। 2 हफ्ते तो ठहरने के लिए कितने पैसे लाई हैं? मेरे पास 71,000 रुपए हैं। बिना तैयारी और बिना सही वर्क परमिट के ये पता लगाना होगा कि ये यात्री आयरलैंड की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी या नहीं। यहाँ पर कहाँ ठहरेंगी? अपने दोस्त के साथ वेस्टमीथ, सदर्न आयरलैंड में। वेस्टमीथ, ओके। तो उसके साथ आप 2 हफ्ते रहेंगी? हाँ। और फिर या तो यहाँ से सीधे दुबई जाऊंगी या उसी रूट से जाऊंगी अगर एमिरेट्स ने मुझे बदलाव नहीं करने दिया तो, यहाँ से डसेलडॉर्फ और फिर उससे आगे। ओके। हाँ ठीक है, 2 हफ्ते की इजाजत है। ठीक है। ये जानने के बाद कि वो सच बोल रही है और आयरलैंड में रुकने के लिए उसके पास पैसा है, ऑफिसर ने यात्री को देश में 2 हफ्ते रहने की इजाजत दे दी। उसके बाद उसे आयरलैंड से जाना होगा और वापस आने के लिए सही वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। उम्मीद है वीजा ज्यादा से ज्यादा बस 3 महीने के आसपास ही लेगा, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। उसके बाद मैं काम के लिए यूके लौट जाऊंगी।